बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। तो चलिए सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दे ताकि सारे कोई पढ़ सके। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट को लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारे कोई पढ़ सके। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के अलावा जो स्टूडेंट ट्वेल्थ में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के चलते घर पर आकर बैठे हुए हैं, तो उनकी पढ़ाई निरंतर चलते रहे, उसको भी आप शेयर कीजिए ताकि सारे कोई पढ़ सके। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 11 है। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे बातों को सुनिए और नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड देखिए ना, फील्ड का मतलब क्षेत्र, फील्ड का मतलब एरिया, कौन सा एरिया है। तो गौर से देखिएगा, फील्ड जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रीजन को, एक क्षेत्र को। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। अब आप जानते हैं कि दो चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो दोनों के बीच में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात करते हैं कि यह चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, यह चार्ज इस पर फोर्स लगाता है। दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकेंड चार्ज। यह चार्ज इस पर फोर्स लगाता है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है, आखिर किस कारण के वजह से यह चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, यह चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, कौन सी कारण है? तो वह कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कोई चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। बात समझ में आ रहा है? कोई अदर चार्ज किसी अन्य चार्ज पर फोर्स तभी लगाता है, उसका वजह कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको जानते हैं। आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है। कारण क्या है कि कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो क्या कारण है? तो वह कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कोई भी चार्ज का अपना एक क्षेत्र होता है, अपना एक रीजन होता है, ठीक है। उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब अगर कोई प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज एक क्षेत्र बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक चार्ज एक क्षेत्र, एक रीजन क्रिएट करता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब एवरी चार्ज क्रिएट्स इट्स फील्ड, मतलब कोई भी चार्ज अपने आप का एक क्षेत्र बनाता है, उस क्षेत्र को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। कौन सी कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई पूछेगा कि कौन सी कारण है कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, तो वह कौन कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो क्या करता है, फोर्स लगा क्रिएट, फोर्स किसी दूसरे पर लगाता है। अब देखिए गौर से, इसका मीनिंग है कि कोई चार्ज है प्लस क्यू, अब ये प्लस क्यू चार्ज अपना एक क्षेत्र बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है। ये जो लाइन है ना, ये फील्ड लाइन्स है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, फील्ड लाइन्स, मतलब ये क्षेत्र बनाता है। आप गौर से देख जानते होंगे, दिवाली के दिन आप कोई भी चीज पढ़ा के या कोई भी चीज आप जब छुरछुरी होता है, चाहे कोई भी आप दिवाली में पड़ाके फोड़ते हैं, तो
जब आप जलाते हैं तो एक फुहारे की तरह क्रिएट होता है ना, एक शंकु टाइप का एक आप लोग दिवाली के दिन जलाते होंगे, तो जब उसको आप जलाते हैं माचिस लग देते हैं तो जब जैसे ही शुरुआत होता है तो वो फुहारा की जैसा ऐसे झरना की जैसा क्रिएट करता है, आप झरना में भी देखे होंगे। तो उसी तरह चार्ज भी एक अपने चारों ओर अराउंड इटसेल्फ, मतलब ये चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? फील्ड क्रिएट करता है। और यह फील्ड को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया, मतलब चार्ज के द्वारा जो फील्ड है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब यह चार्ज एक फील्ड बनाता है, यह फील्ड कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक, है ना। ये लाइंस यहां तक नहीं है, ये लाइंस इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। अब जब इस फील्ड में कोई चार्ज इंटर करता है, जब इस फील्ड में कोई चार्ज इंटर करता है तो यह फील्ड इस चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब यह फील्ड जब इस एरिया में इंटर करता है, इसके क्षेत्र में इंटर करता है, प्लस क्यू चार्ज के क्षेत्र में इंटर करता है, तो इस क्यू नोट चार्ज को एक फोर्स महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखते होंगे, जैसे आप मूवी में देखते हैं कि कोई भी, जैसे कोई राजा है, अब उसका क्षेत्र होता है, उसका एरिया फिक्स होता है, तो उसके एरिया में अगर कोई दूसरा कोई जाएगा, किसी राजा के एरिया में कोई दूसरा कोई जाएगा तो उसको कुछ प्रभाव पड़ेगा, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, उसको कुछ अलग इफेक्ट पड़ेगा कि हम किसी अन्य राज्य में आ चुके हैं। वही कारण से आप उसी से सिमिलर समझिए कि यह चार्ज एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, यह प्लस क्यू, और अन्य चार्ज कोई, मैंने क्यू नोट को इसके क्षेत्र में लाया, जैसे ही इसके क्षेत्र में मैंने चार्ज को लाया तो इस चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लगा, मतलब यह चार्ज महसूस करने लगा कि आप इस पर कोई फोर्स लगा रहा है। तो यह किस कारण से हो रहा है? इस क्षेत्र के कारण से, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रभाव चारों तरफ है। हाँ, यहां पर बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे दूर होइएगा वैसे वैसे प्रभाव कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत कम होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दूरी जितना बढ़ेगा उतना फोर्स कम महसूस होगा। बात समझ में आ रहा है? डिस्टेंस विल बी इंक्रीजेज, फोर्स विल बी डिक्रीजेज। ओके, मतलब अगर हम जितना करीब इस चार्ज को लाएंगे, इस चार्ज को उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स महसूस होने लगेगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा। जितना दूर ले जाएंगे इस पर फोर्स की ताकत कम होते जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। आप दूर कितना करते जाइए जीरो नहीं होगी, क्योंकि फोर्स जीरो कहाँ होगा? इनफाइनाइट के पास, है ना, इनफाइनाइट के पास फोर्स जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप ने देखा कि एक चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये गुण है, क्योंकि जब इसके बारे में रिसर्च चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, तो फिर बात चला कि आखिर यह चार्ज एक दूसरे पर फोर्स किस कारण के वजह से लगा रहा है। दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा, लेकिन वो कौन सी कारण है जिसके कारण एक दूसरे पर फोर्स अटैक हो रहा है? वह कारण है, हर एक चार्ज के द्वारा फील्ड क्रिएट होता है, और इस फील्ड में किसी नए चार्ज का जब आगमन होता है तो उस नए चार्ज को एक फोर्स महसूस होता है। किसके द्वारा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना। आप समझ चुके होंगे। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। फाइनल आप कहां पहुंचे हैं कि कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और किसी भी फील्ड में
किसी अन्य चार्ज को लाते हैं तो वह एक फोर्स महसूस करता है। यही कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसा कारण है जिसके चलते दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? एक रीजन है। क्या है? एक रीजन, एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में किसी अन्य चार्ज के आने से उस अन्य चार्ज पर फोर्स महसूस होता है। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्षेत्र, लेकिन उस क्षेत्र का स्ट्रेंथ भी होगा, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी मतलब ताकत। अब देखिए, कोई भी चार्ज का गुण है कि एक क्षेत्र बनाता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और इस फील्ड में, इस रीजन में अगर कोई नए चार्ज का जब आगमन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक नया चार्ज लाया क्यू नो, तो यह चार्ज जो है यह सोर्स है। ये क्या है? सोर्स है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यह चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और यह क्यू नो चार्ज है। और यह चार्ज कौन सा चार्ज है? टेक्स्ट चार्ज है। टेक्स्ट चार्ज का मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए यह चार्ज लिया जाता है। यह टेक्स्ट चार्ज का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, मतलब आप समझ सकते हैं चूहा जैसा चार्ज। बहुत छोटा चार्ज है ना, टेंस टू जीरो, मतलब क्यू नोट, लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो, ये याद रखिए। मतलब क्यू नोट का नाम क्या होगा? हमेशा याद रखेंगे क्यू नोट का नाम होगा टेक्स्ट चार्ज। इसका नाम क्या है? क्यू नोट, क्योंकि जीरो को क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं। तो क्यू नोट क्या है? टेक्स्ट चार्ज। और टेक्स्ट चार्ज का मतलब वेरी वेरी स्मॉल। यह सिर्फ एक्सपेरिमेंटल के लिए हम लोग लेते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं, किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए लेते हैं। और वेरी वेरी स्मॉल का मतलब चूहा जैसा चार्ज, मतलब बहुत छोटा, जीरो नहीं, टेंस टू जीरो, जीरो नहीं होगा, टेंस टू जीरो। ठीक है, अब देखिए, यह टेक्स्ट चार्ज को मैं लाया यहां पर इसके फील्ड में, तो इस टेक्स्ट चार्ज पर एक फोर्स महसूस होगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टेक्स्ट चार्ज पर फोर्स महसूस होगा तो कौन सा फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। लेकिन यह किस कारण से? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से होगा, क्योंकि इसके रीजन में कोई आया तो यह अपना ताकत दिखाएगा उस पर। कोई भी राजा महाराजा के क्षेत्र में आएगा कोई अन्य व्यक्ति, तो वह अपना प्रकोप तो दिखाएगा ही दिखाएगा। आप मूवी देखते ही होंगे, कोई अन्य डाकू के इलाका में चल जाएंगे तो डाकू क्या करेगा? वो अपना प्रभाव दिखाएगा, है ना। तो ही बात है, यहां पर भी आप शोले मूवी देखे होंगे, जब गब्बर के क्षेत्र में जाएंगे तो गब्बर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो वही बात है यहां पर कि जब कोई भी चार्ज अपना फील्ड बनाता है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और ये फील्ड के अंदर में कोई अन्य चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो इस अन्य अदर चार्ज, ये अन्य चार्ज पर एक फोर्स महसूस होता है। वह फोर्स किसके कारण महसूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और जो फोर्स महसूस होता है उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलिए इसको आप जान गए हैं, नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए प्लस क्यू एक चार्ज है और कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है, फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, यह चार्ज अपने चारों ओर फील्ड बनाएगा। ठीक है, चारों ओर फील्ड बनाएगा। ठीक है, जब हम, याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्षेत्र है और उसकी ताकत क्या होगी वो आगे पढ़ेंगे।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, या स्ट्रेंथ को हम लोग इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, क्या होगी वो आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, जब कोई अन्य चार्ज को लाते हैं, लेकिन वो कौन सी चार्ज होगी, टेक्स्ट चार्ज, जिसको हम लाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, बेहतर से समझने के लिए, जो एक्सपेरिमेंटली किया गया है, जो थियोरेटिकली किया गया है, वो आपको जानना होगा, वही चीज़ आपको भी करना होगा, जो किया गया है वही आपको भी करना होगा। तो आप क्या करेंगे कि ये चार्ज क्रिएट कर रहा है फील्ड, ये आपको लग रहा है कि छोटा सा है, लेकिन ये इन्फाइनाइट तक गया है ना, ये लग रहा है इतना तक, क्योंकि बोर्ड तो इन्फाइनाइट तक जा नहीं सकता है, स्मॉल बोर्ड है ना, लेकिन हम स्मॉल बोर्ड में ही हमें पढ़ाना है, लेकिन हम ये जो एरो दे रहे हैं, ये एरो क्या बता रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ये एरो क्या बता रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, मतलब यह चार्ज से निकल रहा है और इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है, ठीक है। अब यह चार्ज अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लिया, रीजन बना लिया, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी टेक्स्ट चार्ज को मैं लेकर आ जाऊं, यहां पर मैंने एक टेक्स्ट चार्ज को लेकर आ गया इसके क्षेत्र में, ये कौन सी चार्ज है, टेक्स्ट चार्ज, टेक्स्ट चार्ज मतलब टेस्ट करने के लिए, है ना, कि इसकी ताकत कितनी है, यहां पर बात समझ में आ रहा है, टेक्स्ट चार्ज मतलब ये चार्ज क्यों लाए हैं, टेस्ट करने के लिए कि इसकी ताकत यहां कितनी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही ये चार्ज आएगा क्या है, प्लस की, और टेक्स्ट चार्ज को हमेशा आपको क्या मानना होगा, प्लस, पॉजिटिव, टेक्स्ट चार्ज को हमेशा आप पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट चार्ज क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। अब ये प्लस क्यू और ये क्यू नॉट, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब यह चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, यह चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। मतलब यह चार्ज एक फील्ड क्रिएट किया, उस फील्ड के इनसाइड में जब यह चार्ज आया, इसके फील्ड के क्षेत्र में जब यह इंटर किया, तो इस पर एक फोर्स महसूस हुआ, तो ये किसके कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, तो यह चार्ज इस पर बल लगाएगा, क्योंकि दो चार्ज के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, लेकिन किस कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, किसी चार्ज का प्रॉपर्टी है, जो वह फील्ड है, प्रॉपर्टी है, और वह प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज चारों तरफ अपना एक फील्ड बनाता है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखिए, इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कौन सी चार्ज, टेक्स्ट चार्ज, चेक करने के लिए ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल के, एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया है, जो लिया गया है वो आपको भी लेना है। तो टेक्स्ट चार्ज, टेक्स्ट चार्ज का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। अब देखिए, ये जो टेक्स्ट चार्ज है, जब यहां इंटर करेगा, जैसे जैसे आप समीप लाइएगा, इसको ज्यादा फोर्स महसूस होगा, क्यों, क्योंकि दूरी कम, फोर्स ज्यादा, यू नो दैट एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इफ डिस्टेंस विल बी डिक्रीजेड, फोर्स विल बी इंक्रीजेड। अब देखिए, इस पर एक फोर्स महसूस होगा, ठीक है। जैसे यहां पर मान लेते हैं, लाते हैं क्यू नोट को, तो यहां पर ऐसे फोर्स महसूस होगा, यहां पर लाते हैं क्यू नोट को, तो फोर्स ऐसे महसूस होगा, मतलब ये फोर्स जो महसूस हो रहा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यू नो दैट, एक क्षेत्र है किसी चार्ज का, हर एक चार्ज अपना एक क्षेत्र बनाता है, लेकिन ये याद रखिएगा, टेक्स्ट चार्ज बहुत छोटा है, इसलिए नोट क्रिएट एनी रीजन, यह क्रिएट नहीं करेगा, याद करके लिख लेंगे, नोट क्रिएट, नोट क्रिएट द फील्ड, ये फील्ड को क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। क्या बहुत गरीब व्यक्ति अपना कोई क्षेत्र बना सकता है, नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो अपना क्षेत्र बना ले,
लेकिन जो पैसे वाला रहेगा तो वो तो अपना शासन चलाएगा, अपना क्षेत्र बना सकता है ना। लेकिन क्या बहुत छोटा आदमी अपना क्षेत्र बना सकता है? नहीं। उसी से समझिए आप कि क्यू नॉट क्या है, टैक्स चार्ज है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि इसकी इसकी जो ताकत है वो बहुत कम है, इसकी जो मैग्नीट्यूड एकदम छोटा है, जिसके कारण यह अपना क्षेत्र नहीं बना सकता है। तो टैक्स चार्ज नॉट क्रिएट द फील्ड, टैक्स चार्ज फील्ड क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, क्रिएट्स है ना, नॉट क्रिएट्स द फील्ड। अब देखिए गौर से यहां पर बात समझना है, आज हमारा थ्योरेटिकल ही क्लास है, ज्यादातर आपको सिर्फ समझना और सुनना है, नोट डाउन भी करते चलना है। देख रहे हैं यह क्या किसका किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यह डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यह डायरेक्शन किसका है, फील्ड फोर्स का। यह किसका है, फोर्स का। यहां रखेंगे क्यू नोट तो पॉजिटिव, और यह पॉजिटिव चार्ज है, और क्यू नोट को भी क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है, तो इधर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही फील्ड का डायरेक्शन। ये कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज द सेम एज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन जिधर होगी उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है, बात समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक क्षेत्र है जो हर एक चार्ज क्रिएट करता है, इसी क्षेत्र के चलते किसी एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर बल लगाता है, जिस बल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ओके, जब इस क्षेत्र में कोई अन्य चार्ज को हम लाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, हम लोग टैक्स चार्ज को लाते हैं जो एक्सपेरिमेंटली किया गया था, मतलब मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग, इफ एनी चार्ज इंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन देन दैट चार्ज एज एक्सपीरियंस ए फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसका मीनिंग जनरल क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई अन्य चार्ज जब एग्जिस्ट करता है तो उस अन्य चार्ज पर एक फोर्स महसूस होता है, उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो हमने पहले सीखा है प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सीखा है वो क्या है, वो हमारा इसी फील्ड के द्वारा कारण इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे चले, तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अभी आपने देखा प्लस क्यू के बारे में, अब माइनस क्यू की बात करते हैं। माइनस क्यू निगेटिव चार्ज फील्ड ये भी बनाता है, लेकिन इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव से उल्टा है। पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, जो ये निकल रहा था क्या है, लाइंस है। कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्लस क्यू से जो लाइंस निकल रही है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव के लिए वो पॉजिटिव से निकलते हुए इन्फाइनाइट की ओर जाती है, माइनस के लिए निगेटिव के लिए इन्फाइनाइट से, मतलब इन्फाइनाइट से होते हुए उसके पास आती है। ठीक है, अब देखिए ये नेचर है, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद करना होगा। निगेटिव में क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर आती है, टूवर्ड्स द सेंटर मतलब चार्ज सोर्स चार्ज, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज फील्ड बनाता है, ये भी फील्ड बना रहा है, लेकिन ये टूवर्ड्स द, मतलब फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ये कौन सी चार्ज हो गई, सोर्स चार्ज, जहां से सोर्स चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि इस कंडीशन में भी अगर किसी चार्ज को मैंने लाया एक्सपेरिमेंट के लिए, कौन से चार्ज लानी है, टैक्स चार्ज, ये थ्योरेटिकली दिया हुआ है, ये आपको करना होगा। तो मैं एक टैक्स चार्ज को लाया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो अट्रैक्ट टू इच अदर। ये जो है ये कौन सी है,
ये जो एरो है ये एरो फील्ड की एरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एरो। अब देखिए जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, है ना। मतलब अभी भी इस केस में भी जब निगेटिव रह रहा है तब पर भी, क्योंकि इसको तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो निगेटिव के केस में भी हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के सेम होगा, इक्वल होगा। मतलब जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, ये जान गए आपने देखा कि जब प्लस क्यू की बात हुई तो जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू, है ना। मतलब कौन सी चार्ज थी, प्लस क्यू। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के केस में दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम किससे, प्लस क्यू से, प्लस क्यू से दूर जा रहा है। मतलब प्लस क्यू से निकलते हुए दूर भाग रहा है। अब जब माइनस की केस आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज माइनस क्यू, है ना। मतलब प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के पास से निकल रहा है, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के पास आ रहा है। ये हमें याद करना होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, एक चार्ज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमें याद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी किसी का याद करना पड़ता है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि उस रीजन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब मैं किसी टेक्स चार्ज को ला रहा हूं तो इस पर एक फोर्स महसूस होता है, किस कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, ठीक है। कारण समझ में आ गया ना कि किसके कारण से फोर्स लगता है एक दूसरे पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। उसी को हमें जानना था, जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अन्य चार्ज को आने से एक फोर्स महसूस होता है। एक चीज और, जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उस पर फोर्स एक्ट नहीं होगा, ठीक है, उस पर फोर्स एक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि जिस चार्ज से फील्ड बनेगा वह उस पर फोर्स नहीं लगेगा, उस पर फोर्स महसूस नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर प्लस क्यू से चार्ज से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गौर से देखिए, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्षेत्र, जो क्षेत्र ये बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ये जो लाइन निकल रही है, इमेजिनरी लाइन है, पता नहीं चलेगी ये सारी लाइन क्या है, ये आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है, लेकिन ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, आपको नजर नहीं आएगी किसी स्पेस में, है ना। तो किसी भी चार्ज को जब हम स्पेस में रखते हैं, तो वह चार्ज एक फील्ड बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उस क्षेत्र में जो कोई अन्य चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स महसूस होता है। तो ये फोर्स किसके कारण महसूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मतलब जो चार्ज अपना फील्ड बनाया, लेकिन किसी दूसरे पर जो चार्ज फील्ड बनाएगा उस पर फोर्स महसूस नहीं होगा। एकदम फिट कर लीजिए, जो चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा वो इटसेल्फ पर अपना फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों, क्योंकि एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इफ आर इक्वल टू जीरो देन फोर्स इज नॉट डिफाइंड, फोर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फोर्स अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए कि जो चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा वह चार्ज खुद को छोड़कर किसी दूसरे पर बल लगाएगा, अपने पर बल नहीं लगाएगा। यह भी मैंने बोला है कि
किसी चार्ज पर क्या क्या हो रहा है वो देखना रहता है, क्या कर रहा है वो नहीं देखना। अब देखिए ये चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसके चलते इस अगर ये क्यू नोट पर बल लग रहा है, लेकिन इस पर कुछ नहीं होगा, मतलब इटसेल्फ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब देखिए एवरी मतलब जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका कंक्लूजन, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ, मतलब कोई भी चार्ज स्पेस में अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, मतलब एक फील्ड बनाती है, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब यह चार्ज का क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये गुण है ना, कोई भी चार्ज एक फील्ड बनाती है उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। क्यू नोट टेक्स चार्ज नोट क्रिएट फील्ड, मतलब टेक्स चार्ज फील्ड क्रिएट नहीं करता है, फील्ड नहीं बनाती है। कौन सी चार्ज फील्ड नहीं बनाती है, टेक्स चार्ज, क्योंकि टेक्स चार्ज क्या है, बहुत छोटा है, उसकी पोटेंशियल उसकी ताकत बहुत कम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहां पर एग्जाम्पल में यह भी मैं बताया कि कोई भी चार्ज फील्ड बनाएगा तो वह खुद को छोड़कर किसी अन्य पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। कोई भी चार्ज एक फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अन्य चार्ज जब एग्जिस्ट करता है, इंटर करता है, तो उस अन्य चार्ज पर एक फोर्स महसूस होता है, उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस कारण से हुआ, तो यह किस कारण से हुआ, इस प्लस क्यू चार्ज के क्षेत्र के क्रिएशन से, क्रिएट से। बात समझे कि अन्य चार्ज पर जो फोर्स लगा वो किस कारण से लगा, प्लस क्यू के वजह से तो लगा, लेकिन प्लस क्यू किया क्या, एक फील्ड बनाया जिस फील्ड के कारण वह फोर्स लगा, ठीक है। मतलब ये कारण है जिसके कारण एक दूसरे चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, तो कौन सी कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और टेक्स चार्ज क्या है, ये थियोरेटिकली है, एक्सपेरिमेंट के लिए लिया जाता है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए और थियोरेटिकली के लिए लिया गया है। क्यू नोट टेक्स चार्ज, टेक्स चार्ज वेरी वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक चूहा चार्ज, है ना। और ये क्रिएट नहीं करता है फील्ड, सारा क्रिएट करता है लेकिन ये फील्ड क्रिएट नहीं करता है। मतलब एवरी चार्ज एक्सेप्ट टेक्स चार्ज क्रिएट्स फील्ड, टेक्स चार्ज को छोड़कर सारी चार्जर फील्ड क्रिएट करती है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अन्य चार्ज आता है, इंटर करता है, तो एक फोर्स महसूस होता है अन्य चार्ज पर, जो चार्ज क्रिएट किया है उस वो नहीं महसूस करेगा, अन्य चार्ज जो इंटर किया है वो महसूस करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मकड़ा एक जाल बनाया, जाल का मतलब फील्ड है ना, मकड़ा एक जाल बनाता है जिसमें अदर अन्य फंस जाते हैं, क्या मकड़ा खुद फंसेगा, नहीं फंसेगा, है ना। मकड़ा जो जाल बनाएगा वो किसी अन्य को फंसाने के लिए बनाएगा, तो उसी तरह चार्ज जो चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा वह अपने आप पर फोर्स महसूस नहीं करेगा अपने फील्ड के लिए, कोई चार्ज जो खुद फील्ड क्रिएट किया है वह अपने फील्ड के लिए महसूस नहीं करेगा। और एग्जाम्पल में आप समझिए, कोई राजा है अपना राज का, तो उसको क्या डर अपने राज से, बात समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन उस राजा के चलते किसी अन्य आदमी को डर है ना, बात समझ में आ रहा है। कोई राजा है तो वो राजा अपने राज में वो क्यों डरेगा, क्योंकि वो खुद राज बनाया है, वो तो वहां का शहंशाह है, लेकिन किसी अन्य आदमी को तो डर लगेगा, उसका सेवक को तो डर लगेगा। लेकिन वही बात को लेकर यहां समझिए कि जो चार्ज फील्ड क्रिएट किया है, जो चार्ज फील्ड क्रिएट किया है वह फील्ड के कारण इटसेल्फ पर फोर्स नहीं लगाएगा, दूसरे पर फोर्स लगाएगा, अपनी ताकत जो दिखाएगा दूसरे पर ना दिखाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना ताकत किस पर दिखाता है, दूसरे पर दिखाता है, अपने पर थोड़ा ना दिखाएगा, बात समझ गए। तो वही मैंने एग्जाम्पल लिखा, मकड़ा एक जाल बनाता है जिसमें अदर फंस जाते हैं, वो अपने लिए थोड़ा ना बनाता है, किसी को फंसाने के लिए बनाता है,
वही बात है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये जान चुके हैं कि टैक्स चार्ज फील्ड क्रिएट नहीं करता है, टैक्स चार्ज वेरी वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक चूहा चार्ज, है ना, मतलब बहुत छोटा, एकदम चींटी से भी छोटा नाम, है ना। सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं, इसको लिखिए, तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि क्यू नोट क्या है, टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो मतलब जीरो के लगभग, 0.000001, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इनफाइनाइट, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है हम लोग यहाँ तक दर्शा रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम चार्ज रखें और प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, ठीक है ना, कोई भी चार्ज एक फील्ड बनाती है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये फील्ड बना रही है, यह फील्ड के अंदर में इनसाइड में कोई भी क्यू नॉट चार्ज को लाएंगे, अब वो चार्ज को जैसे जैसे नजदीक लाएंगे फोर्स बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर क्यू नॉट टेक्स चार्ज, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए यही लेना है, इस चार्ज को यहां लाए तो इस पर फोर्स कुछ लग रहा होगा, जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे फोर्स ज्यादा होगा, है ना। जब यहां इसके समीप आ जाएंगे तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे डिस्टेंस जीरो होगी, आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जीरो होगी, तब वहां पर जो फील्ड होगा अनडिफाइंड होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही जीरो होगा तो क्षेत्र जब एरिया लेगा तब ना क्षेत्र कहेंगे, बात समझिए। जैसे मान लीजिए अब ये यहां पर मैं हूं, यहां पर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसका अधिकार ये यहां पर है, ये क्षेत्र अपना कब बोल सकता है, जब इधर कुछ होगा, 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 इधर, मान लीजिए एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, वह अपना जमीन को कैसे बोलेगा, बोलेगा कि हम यहाँ है, किसी आम आदमी को दिखाएगा कि देखो ये पूरा क्षेत्र मेरा है, अगर वो है ही नहीं, अगर दूरी जहां वो खड़ा है और वहीं पर अपना क्षेत्र बता सकता है, नहीं बता सकता है, मतलब कि क्षेत्र होने के लिए आर की वैल्यू होनी चाहिए, क्षेत्र फील्ड होने के लिए आर की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, जैसे ही आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी फील्ड अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी अनडिफाइंड है ना। अब देखिए, अब यहां पर जैसे क्यू नॉट को यहां लाए तो कुछ डिस्टेंस है तो फोर्स लग रहा होगा, नजदीक ला रहे होंगे तो आर की वैल्यू कम होती है तो फोर्स ज्यादा होता है, और फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी ज्यादा होगी। तो एक नोट डाउन कर लीजिए, जैसे जैसे चार्ज को नजदीक लाएंगे फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वही कारण से हमारी फोर्स बढ़ रही है, इसका मतलब ताकत भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है। किसी व्यक्ति का ताकत ज्यादा रहेगा तभी तो फोर्स ज्यादा लगाएगा, स्ट्रेंथ उसके पास ज्यादा होगा तभी तो किसी अन्य पर फोर्स ज्यादा लगा पाएगा। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा आर की वैल्यू कम होगी, फोर्स बढ़ेगी, और फोर्स बढ़ने का मतलब उसकी ताकत बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब करीब आने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी और फोर्स भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स कम होती चली जाएगी, इसका मतलब हमारी जो ताकत है वो कम हो रही है, हमारा क्षेत्र का जो स्टेमिना है वो कम होते चला जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती चली जा रही है। दूर जाएंगे फील्ड भी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स भी कम होगी, नजदीक आएंगे तो फोर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू बढ़ेगी, ताकत बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम आर की वैल्यू जीरो कर देंगे, एकदम इसी के पास आ जाएंगे, एकदम इसी चार्ज के पास आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, और फोर्स भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो और जीरो नीचे रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², आर की वैल्यू जीरो, फोर्स इज अनडिफाइंड, मतलब फोर्स इज अनडिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ, फोर्स का अनडिफाइंड का मतलब वहां पर कोई फील्ड है ही नहीं, ठीक है, फोर्स अनडिफाइंड का मतलब वहां पर कोई फोर्स फील्ड है ही नहीं, क्योंकि फील्ड रहता तो फोर्स लगता, फील्ड रहेगा तो फोर्स लगेगा,
क्षेत्र रहेगा तो ताकत लगाएंगे ही लगाएंगे, चाहे कम क्यों ना लगाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 100 रुपया है, अगर मुझे भूख लगा हुआ है या कोई मांगने आया, कोई गरीब आदमी मांगने आया, मेरे पास 100 रुपया है, तो रहेगा तो हम देंगे ही देंगे, चाहे वो हम 50 पैसा क्यों ना दें, चाहे 1 रुपया दें, लेकिन देंगे तो जरूर। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह यहां पर समझिए, अगर मेरे फील्ड है तो फोर्स लगेगा, अगर आर की वैल्यू 0 कर दिए तो फोर्स क्या हो गया? अनडिफाइंड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्षेत्र, और क्षेत्र कब होगा? जब दूर रहिएगा तब ना क्षेत्र बनाएगा। अब इसी के पास आ जाएगा तो क्षेत्र कहां है? क्षेत्र तो बाहर है। अब इसी के पास आ जाएगा तो क्षेत्र नहीं मिलेगा। मतलब आर की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड और फोर्स भी अनडिफाइंड। आर की वैल्यू इनफाइनाइट, जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो फोर्स भी 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। क्लियर है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी, लेकिन 0 नहीं होगी। ये नहीं कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अच्छा यहां चार्ज ला दिए क्यू नोट को तो यहां पर फोर्स लग रहा होगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। अच्छा इस चार्ज को यहां ला लेते हैं, यहां तो लाइन नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। बात समझ आ रहा है? यह डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और यह फील्ड इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होती है, फैलती है ना, चारों तरफ फैलता है इनफाइनाइट तक। मतलब आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि ये इमेजिनरी होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली ज्ञात किया गया है। अब देखिए, मतलब दूर जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, 0 नहीं होगी। 0 कहां होगी? इनफाइनाइट के पास। ठीक है, ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब उसका मान क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड क्या है? एक क्षेत्र है। तो क्षेत्र तो वो जान जाएंगे कि यहाँ से यहाँ, लेकिन उसको मेजर करेंगे ना, मेजर करने का कोई तरीका होगा ना। जैसे हम लोग कोई ज़मीन खरीदते हैं या मेरा ज़मीन है हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो कितना है उसके लिए कोई तो डिवाइस होगा मेजर करने का। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत, इंटेंसिटी कितनी है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मुझे मैथमेटिकल मिलना चाहिए। ये मिला भी है, आपको बताता हूं क्या है। तो उसके पहले क्या जान लेते हैं, ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन की ओर होगी। तो क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बात समझ गए। जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। अगर आप ये नहीं भी याद रखते हैं तो वही लाइक अनलाइक वाला इस्तेमाल करेंगे, या ये इस्तेमाल करेंगे कि भैया प्लस क्यू है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर भागेगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो इनवर्स आएगा, मतलब चार्ज की ओर आएगा, है ना, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये याद रखेंगे, नहीं तो ये याद रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो, जैसे फोर्स के लिए एफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है तो
मैग्नीट्यूड के लिए एफ बोलते हैं, और अगर उसको प्रॉपर क्वांटिटी में बोला जाए, प्रॉपर रूप में, तो एफ वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी पता चला है, पता चलेगा हमें आगे स्ट्रेंथ क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे? ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? ई वेक्टर। ओके, लेकिन अब गौर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई वेक्टर, ये वेक्टर के रूप में, क्योंकि ये वेक्टर है। और हम जो फोर्स निकालते हैं, कभी भी फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स के लिए वेक्टर, तो उसके उसके लिए फॉर्मूला जो होता है एम इंटू ए वैक्टर होता है कि नहीं। तो ये क्या है, इसको डिनोट फोर, ये एफ जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये वैल्यू है वो क्या? स्ट्रेंथ है, फोर्स की स्ट्रेंथ है जो वैल्यू दिया गया है। यू नो दैट एफ इज द सिंबल ऑफ फोर्स, बट एफ वेक्टर इक्वल टू या एफ इक्वल टू एम ए, या तो वेक्टर रूप में लिखो या तो स्केलर रूप में लिखो। स्केलर में निगेटिव नहीं लेंगे, विदाउट साइन लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। यहां पर आप गौर से समझने की कोशिश की, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये दोनों चीज में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों को अलग अलग समझते हैं। अलग तो है, लेकिन यहां पर गौर से देखिए, एफ इज द सिंबल ऑफ फोर्स, ठीक है, बट एफ इक्वल टू एम ए, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, है ना, ये इंटेंसिटी है, ताकत है फोर्स की, ये कि किसी फोर्स की ताकत कितनी होगी ये बताएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, और एफ इक्वल टू एम ए यहां पर वेक्टर के रूप में, यहां स्केलर के रूप में, ये निगेटिव कभी नहीं होगा, और यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, यहां निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन यहां मैग्नीट्यूड लिखे हैं, मतलब स्केलर रूप में, स्केलर रूप में लिखे हैं, तो मैग्नीट्यूड निगेटिव कभी नहीं होता है। एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई वेक्टर तो है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ के लिए हम ई वेक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मूला रहेगा स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? जिस तरफ एफ इज द सिंबल ऑफ फोर्स, और एफ बराबर एम ए क्या बता रहा है? उसकी ताकत बता रहा है। एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर क्या बता रहा है? वो ताकत बता रहा है कि कितनी ताकत लगेगी। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए हम लोग ई वेक्टर का ही प्रयोग करेंगे। अगर वेक्टर में लिखना है तो ई वेक्टर लिखेंगे, और स्केलर में लिखना है तो ई लिखेंगे, कैपिटल ई। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए हम अलग सिंबल यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग करेंगे, ना। ई वेक्टर, ई जो है हमारा ई, कैपिटल ई, रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमें कोई फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन ई का ही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि नया, ये समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, और स्ट्रेंथ के लिए तो कुछ अलग आना चाहिए, ना, यही आएगा, लेकिन इसके साथ कोई फॉर्मूला आ जाएगा, कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर में, स्केलर में लिखेंगे तो स्केलर में, दोनों रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेंथ को, ये दोनों रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेंथ को। ये वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्केलर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी प्रॉब्लम? आप बात समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था, कि एफ इज द सिंबल ऑफ फोर्स, उसी तरह ई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी स्ट्रेंथ के लिए हम ई वेक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे, या तो वेक्टर क्वांट रूप में, या तो स्केलर रूप में, जब जरूरत पड़े वेक्टर में, जब जरूरत पड़े स्केलर में। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक और बात, हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम किताब में, हम भी
बहुत सारे टीचर भी और बहुत सारे रेफर बुक में, रेफर किताब में जो है, अन्य किताबें में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ना बोलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जब स्ट्रेंथ की बात आएगी तो ज़्यादातर हम लोग स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन समझिएगा आपको क्या समझना है कि वो स्ट्रेंथ की ही बात हो रही है। जैसे कैपिटल ई की कोई फॉर्मूला आई तो क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ की बात बता रहा है, लेकिन वो स्ट्रेंथ हम लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, इसको भी रिप्रेजेंट हम लोग जनरली ई वेक्टर से ही करेंगे, ठीक है। और ज्यादातर हम लोग इस, जैसे बहुत सारा टॉपिक रहता है ना, कम समय लेने के लिए पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोलकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ना बोलकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक क्षेत्र है, लेकिन उसकी ताकत के लिए जब बात होगी हमेशा तो हम उसकी ताकत की ही बात करेंगे ना, क्योंकि क्षेत्र क्या है, इमेजिनरी है, उसको दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी ताकत को बता सकते हैं कितनी ताकत है ना, क्योंकि क्षेत्र क्या है, इमेजिनरी है। कोई भी चार्ज फील्ड जो बनाएगा वो इमेजिनरी बनाएगा, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन उसकी ताकत को हम बता सकते हैं। तो उसकी ताकत के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वर्ड का प्रयोग करना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का प्रयोग करना होगा, लेकिन हम लोग समय बचाने के लिए उसको जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कीजिए। आज का क्लास सेशन यहीं तक, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारे को भी पढ़ सके। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड होगा, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।